आज हम बनाने जा रहे हैं क्रैकलार्ड ट्री। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले एक मैंने लिया है 300 GSM पेपर, जिसके ऊपर मैं एक रफ ट्री ट्रंक ड्रॉ कर रही हूँ। आई एम ड्रॉइंग अ रफ स्केच ऑफ ट्री ट्रंक। क्रैकल इफेक्ट देने के लिए हमने यूज़ किया है फेविकॉल MR, जिसको हम हमारे एक पैलेट में थोड़ा सा निकाल देंगे। और इसके साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन एक्रेलिक कलर, जो हम फेविकॉल के साथ यूज़ करेंगे। मेक श्योर कि आपका जो कलर का कंसिस्टेंसी है वो बहुत थिन या बहुत थिक नहीं होना चाहिए, इट शुड बी ऑफ मीडियम कंसिस्टेंसी। अब हम ब्रश में थोड़ा फेविकॉल लेंगे। ब्रश के जो ब्रिसल्स हैं वो थोड़े रफ़ होने चाहिए, सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश नहीं चाहिए हमको। और फेविकॉल ब्रश में लेके हमको ड्रैग करना है हमारे डिज़ाइन पे। मेक श्योर कि जो स्ट्रोक्स बना रहे हैं वो सेम डायरेक्शन में जाना चाहिए और सेम डिज़ाइन। जैसे अगर आप डैब कर रहे हैं तो आपको पूरा डिज़ाइन डैब ही करना है, और अगर आप फेविकॉल ड्रैग कर रहे हैं तो आपको ड्रैग ही करना है। प्लीज लिसन केयरफुली, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रैग एंड डैब। ड्रैग हमको पकड़ के हम थोड़ा सा लंबा लंबा खींचते हैं उसको, और डैब मीन्स हम डॉट डॉट डॉट्स जैसे लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं फेविकॉल ब्रश में लेके उसको ड्रैग कर रही हूँ। अब हम कलर लेंगे दूसरे ब्रश में, और अब मैं ये कलर को ले लेके मैं इसको डैब करूँगी। फेविकॉल हमको वेट ही रखना है, मेक श्योर कि ये फेविकॉल ड्राई होने के बाद नहीं करना है, और थोड़ा थोड़ा पार्ट एक एक बार में हमको कंप्लीट करना है। तो जैसे मैंने थोड़े पार्ट पे फेविकॉल लगा के ड्रैग किया, तो सेम टाइम बिफोर इट इज़ ड्राइड मैंने वेट फेविकॉल के ऊपर ही ब्राउन कलर लिया है एक्रेलिक कलर, और उसको मैं डैब कर रही हूँ। जो बेस हमने फेविकॉल का लगाया था वो हमने ड्रैग किया था, और अब जो ब्राउन कलर हम उसके ऊपर कर रहे हैं तो वो हम डैब कर रहे हैं। हमको डैबिंग करना है, हमको उसको ड्रैग नहीं करना है, और बहुत हल्के हाथ से हमको उसको डैबिंग करनी है, नहीं तो जो हमने टेक्सचर जो हमारा था वो हमारा पूरा बिगड़ जाएगा।
का जो बेस है वो हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने 0 नंबर का ब्रश लिया है और उसमें ब्राउन कलर्स लेकर मैं जो ब्रांचेस हैं वो निकाल रही हूँ फ्री हैंड। अब हमारा ट्री पूरी तरह से रेडी हो चुका है और मैं यूज़ करूँगी ऑरेंज कलर एंड ग्रीन कलर जो मैं थोड़ा सा पैलेट में निकाल रही हूँ, और उससे हम लीव्स और फ्लावर्स बनाएंगे। तो मैं ब्रश में ऑरेंज के साथ में थोड़ा सा टिप पे ग्रीन कलर लूँगी और मैं फ्लावर्स बनाऊँगी। मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ ताकि जो उसका बेस होगा वो थोड़ा थिक बनेगा और उसी से हमारा गेटअप आएगा। हमको बस फ्री हैंड स्ट्रोक्स देने हैं, जो ऑरेंज और ग्रीन कलर हम यूज़ कर रहे हैं उससे हमको एक फ्री हैंड स्ट्रोक्स देने हैं। हमारा क्रैकल इफेक्ट ट्री रेडी है। आई होप आप सब लोगों को ये टेक्निक पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करेगा। थैंक यू।